हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में जेएसएक्स जो होता है वो क्या चीज़ है और उसका यूज आपको कैसे करना है। तो जेएसएक्स का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन कहते हैं और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर जो है आप एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं या जिन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं उनको भी आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे उनका जावास्क्रिप्ट कोड के साथ। तो चलिए देखते हैं इसका काम आपको कैसे करना। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में index.js वाले फाइल को ओपन करके रखा। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बनाते हैं। तो मैंने इसको कांस्टेंट टाइप का बनाया और इसका नाम मैंने जैसे दे दिया डेटा, इक्वल टू लगा दिया। अब इसके ऊपर जो है मैं इस वेरिएबल के ऊपर एक HTML का टैग बना दूंगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है H1 लिख दिया और यहाँ पर जाके मैंने लिख दिया ये, मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है आपका ये काम कंप्लीट हो गया। तो ये जो कोड है ये आपका जेएसएक्स हो गया। अगर आपको अपने जो है कोड के अंदर जेएसएक्स का यूज करना है तो आपको ये रिएक्ट करके जो चीज है इसे आपको इंपोर्ट करना होगा। अब इसका जो आउटपुट अगर आपको देखना है तो यहाँ पर जो आपने रिएक्ट डॉम में जो रेंडर वाला फंक्शन यूज किया था इसमें जो आपने ये टैग यहाँ पे बनाया इसको हम लोग यहाँ पे हटा के डेटा वाले वेरिएबल को लिख देते हैं। अपने वेब ब्राउजर में वापस चलते हैं तो ये देखिए आपका आउटपुट सेम वही आउटपुट आपका यहाँ पे मिल रहा है। पेज को रिफ्रेश करिए, सेम वही आउटपुट मिलेगा। वेब सर्वर हम लोग का पहले से ही जो है रन कर रहा है। फिर सब लोग अपने कोड में वापस चलते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ चेंज कर दिया, मैंने ऐसे यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। CTRL S दबा के फाइल को सेव करिए, वापस चलिए वेब ब्राउजर पर, वही आउटपुट आपको मिलेगा, ये देखिए। तो ये जो है आपका JSX हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बनाया, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे नेम रख दिया और इसके अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया, इनवर्टेड कॉमा में लिखना होगा। उसके बाद अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया इसका डेटा मुझे यहाँ पर HTML के कोड के अंदर मुझे एक्सेस करना है। तो ये काम मैं कैसे करूंगा, तो ये करने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले जो टेक्स्ट को हटा दीजिए और जब भी आपको अपने HTML के कोड के अंदर एलिमेंट के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट का कोड आपको लिखना होगा JSX में, तो आपको दो करली ब्रैकेट्स आपको इस तरीके से लगाने होंगे। इसके अंदर जाके उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। यहाँ पर जो चीज है वही रहने देंगे और वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं और पेज को जो रिफ्रेश करेंगे देखिए वही आउटपुट आपके पास आ रहा है। कोड पर वापस चलते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है उसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। CTRL S दबा के फाइल को सेव करिए, वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए ये वाला आउटपुट आ गया। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने एक वेरिएबल का जो है डेटा आउटपुट में दिखाया, हो सकता है आप यहाँ पर कोई जो है जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन क्रिएट कर ले, तो उस फंक्शन को भी आप इसी तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर जो है कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है एक फंक्शन बनाता हूं और उसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया और इवन। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जावास्क्रिप्ट JSX के अंदर जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं या जो फंक्शन बना रहे हैं उनका जो हम लोग नाम रखते हैं वो कैमल केस में रखते हैं, यानी कि जैसे कि दो वर्ड्स जैसे कि ऑड और इवन है तो पहला वाला जो वर्ड होगा उसका जो अल्फाबेट होगा वो आपका स्मॉल लेटर में होगा, दूसरा वाला जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल में होगा। इसी तरीके से मान लीजिए इसमें एक और वर्ड ऐड होता जैसे कि मैंने ये कर देता तो इसका जो फर्स्ट वाला लेटर है जैसे कि ये H हो गया तो ये कैपिटल में होता। तो इस तरीके से जो है आपको अपने वेरिएबल और फंक्शन के नाम रखने, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये कर दिया यहाँ पर और उसके जो है मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे नंबर रख दिया। इसके अंदर मैं एक इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा, मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर नंबर जो है डिवाइड होने पर जीरो जो है देता है तो उसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है रिटर्न कर दिया और मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट भेज दिया, नंबर इज इवन, और नंबर कौन सा नंबर है वो भी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं आउटपुट में। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना एल्स ब्लॉक बना देते हैं, अगर नंबर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर इज ऑड लिख दिया, और नंबर क्या था उसे भी मैं आउटपुट में दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया उसे हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नेम की जगह जो है ऑड इवन करके जो फंक्शन है उसे मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया और उसमें जो मैंने एक नंबर जो पास कर दिया, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए अब लिख के आ रहा है कि नंबर जो है वो इवन है। तो आप देखिए JSX में जो है फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे 19 कर दिया। वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, ये देखिए आउटपुट देखिए आपका बदल गया। तो ये आप देख सकते हैं फंक्शन कैसे बनाना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां पर जो है अगर आप चाहे तो किसी फंक्शन के अंदर से कोई HTML का जो टैग है जो एलिमेंट है उसे भी आप रिटर्न कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट
टैग मैंने रख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बना दिया, और यहाँ पर जो है मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने यहाँ पे टेस्ट रख दिया, और मैंने कहा कि अगर यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट लगा दिया, अगर टेस्ट जो होता है वो इक्वल टू 2 होता है तो हम लोग यहाँ पे जो है एक HTML का जो टैग है वो रिटर्न करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है एक else ब्लॉक बना दूंगा, और फिर मैं यहाँ पर यही कोड जाके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने जो है चेंज कर दिया, द नंबर इज नॉट 2 मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से भी जो आप कोड लिख सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, अब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब जो है मैं इस फंक्शन को जो है यहाँ पर नहीं कॉल कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ। तो जब भी आपको रेंडर फंक्शन के अंदर यहाँ पे जब काम करना होगा तो यहाँ पर आप सिर्फ जो है HTML का जो एलिमेंट होता है, टैग होता है, उसे आप लिख सकते हैं, या फिर आप React JS का कंपोनेंट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई फंक्शन को नहीं कॉल कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे गेट टैग नहीं लिख सकता हूँ। तो जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एक div टैग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे div टैग कर दिया, उसके बाद इसके अंदर जाके पैरेंथेसिस लगा के हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गेट टैग लिख दिया, उसके अंदर मैंने एक नंबर डाल दिया, मैंने नंबर जो 10 डाल दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे CTRL S दबा के फाइल को सेव कर लेते हैं, वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करिए, और ये देखिए नंबर इज नॉट 2 जो है आपका लिख के आ रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रहा, और अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा। फिर से हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं, यहाँ पे मैं नंबर को चेंज कर देता हूँ, तो मैंने ऐसे यहाँ पर इस बार 2 कर दिया। वापस चलते हैं वेब ब्राउजर पे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिए नंबर इज 2। तो इस तरीके से फंक्शन के अंदर आप जो है टैग बना सकते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग जो है एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते हैं, और उसकी मदद से जो है हम लोग एक लॉगिन का फॉर्म भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट का जिसका नाम मैंने लॉगिन फॉर्म रख दिया, ये लगाया, इसके अंदर जाके मैं रिटर्न लिखूंगा, और यहाँ पर जाके मैं सबसे पहले पैरेंथेसिस लगाऊंगा, इसके अंदर जाके मैं अपना फॉर्म को बनाने के लिए जो जो टैग मुझे यूज करना है HTML के अंदर वो सब मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, कि मुझे नेम का इनपुट चाहिए, और यहाँ पर मैं फिर इनपुट टैग का यूज करूंगा, इसमें मैं टाइप लिखूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि HTML के टैग में जो आप एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, आपके हम जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनका नाम अगर मल्टीपल वर्ड से बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए टाइप के आगे कुछ और लिखा हुआ होता, तो उसमें सबसे पहला वाला जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट होगा वो आपका स्मॉल लेटर में होगा, जो दूसरा वाला वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट होगा वो आपका कैपिटल लेटर में होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो इस तरीके से जो है आपको HTML टैग के एट्रीब्यूट्स के जो प्रॉपर्टी के जो नाम है, एट्रीब्यूट का जो नाम है, उसे आपको लिखना है, यानी कि यहाँ पर भी आपको कैमल केस वाला जो चीज है वो आपको यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल जो सिर्फ टाइप मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया टेक्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल टू नेम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बंद कर दिया इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पर जो एक br टैग लगा दूंगा, यानी कि लाइन ब्रेक वाला टैग, और यहाँ पर भी जो है मैं ये लगा दूंगा, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसे मैं यहाँ पर जो है ईमेल कर दूंगा, और फिर हम लोग इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर जाके एंटर दबाएंगे, और यहाँ पर जो है इस बार कर देंगे पासवर्ड, यहाँ पर भी हम लोगों ने पासवर्ड कर दिया, नेम में भी जो है पासवर्ड कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि HTML के इन टैग्स में जो बाकी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि वैल्यू होता है, फिर ID वाला होता है, तो वो सब मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, पर वो भी जब आप हम लोग जब रियल में जब बनाएंगे लॉगिन फॉर्म आगे, तो वहां पर आपको उन सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं फिलहाल सिर्फ इन्हीं 2 एट्रीब्यूट्स का भी काम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा जो है इस तरीके से बन गया लॉगिन का फॉर्म। यहाँ पर मैं जाके एक बटन लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बटन, और यहाँ पर मैं जाके लिख दूंगा टाइप करके सबमिट कर दूंगा, नेम में मैं लिख दूंगा BTN सबमिट, और यहाँ पर जो मैं वैल्यू वाला यूज कर लेता हूँ, मैं इसमें लिख दूंगा लॉगिन, और फिर यहाँ पर जो है मैं BR टैग को हटाता हूँ। तो ये जो है मेरा बटन बन गया, और ये मेरा फॉर्म भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर जो फॉर्म में जो आपका मेथड होता है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पोस्ट मेथड का मुझे यूज करना है। अगर आपको एक्शन वाला प्रॉपर्टी होता है उसे अगर आपको यहाँ पे भरना हो तो वो भर लीजिएगा, फिलहाल मुझे नहीं भरना है तो मैंने बस ऐसे ही रख दिया। तो ये जो है मेरा लॉगिन फॉर्म बन गया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर जाके
जो है कॉल कर लेंगे गेट टैग की जगह, तो मैंने यहाँ पे लॉग इन फॉर्म लिख दिया इस तरीके से, पैरेंथेसिस लगा दिया और ये जो है वो काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे CTRL S दबा के जो है फाइल को सेव कर लीजिएगा, वेब ब्राउजर पर वापस जाइएगा, पेज को रिफ्रेश करिएगा और ये देखिए आपका लॉग इन फॉर्म यहाँ पे बन के आ चुका है और ये जो आपका बटन यहाँ पे बन के आ रहा है। इस बटन में जो आप बटन दिख ही नहीं रहा होगा, बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, उसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पर जो ये वैल्यू वाला जो चीज है इसे हटा देंगे, यहाँ पर इसे बंद करेंगे, यहाँ पे बैक करेंगे और यहाँ पर जाके लॉग इन लिखेंगे और यहाँ पर जाके हम लोग जो है बटन वाला जो टैग है उसे हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं और ये देखिए आपका लॉग इन यहाँ पे लिख के आने रखा, तो ये देखिए लॉग इन फॉर्म भी बन गया। तो इस तरीके से जो आपको फॉर्म भी आप बना सकते हैं JSX का यूज करके, और आप देखेंगे कि इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ और वो ये है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे HTML का जो टैग बनाया है इसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिनका जब आप नाम लिखेंगे तो वो आपको यहाँ पे JSX में आपको अलग तरीके से लिखना होगा, मतलब उनका नाम कुछ और होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको इस इनपुट टैग के ऊपर जो है CSS में जो क्लास सेलेक्टर होता है जो हम लोग बनाते हैं उसका अगर आपको यहाँ पे यूज करना होता, जिसके लिए हम लोग क्लास वाला एट्रीब्यूट का यूज करते हैं HTML में, तो उसका आप यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, इससे आपका एरर जनरेट होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्लास जो आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट आप बना रहे इसी नाम से जो है आपकी ES6 में, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट में जो ES6 है जिसमें और भी कई नए फीचर्स ऐड हुए, जैसे कि आप क्लास बना सकते हैं, उसके बाद लेट कीवर्ड से आप वेरिएबल बना सकते हैं, फिर आपका एरो फंक्शन है, तो ES6 में जो है क्लास कीवर्ड होता है जिसकी मदद से आप जो है जावास्क्रिप्ट में क्लास बना सकते हैं। और यहाँ पे HTML टैग के अंदर भी अगर क्लास सेलेक्टर बनाना है तो वहां पर भी क्लास वाला जो है आप एट्रीब्यूट का यूज करें, तो यहाँ पर जो है HTML का जो ये आपका कीवर्ड है और जो जावास्क्रिप्ट के ES6 का कीवर्ड है उनमें कोलिजन हो रहा है और इसी वजह से JSX में जब आपको ये क्लास सेलेक्टर का यूज करना होगा तो अब यहाँ पे आप क्लास नहीं, यहाँ पे आप क्लास नेम लिखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आप ये कर देंगे और इसमें जो भी क्लास सेलेक्टर आपको कॉल करना होगा वो आप कर लेंगे। इसी तरीके से HTML में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका कोलिजन जो है आपके जावास्क्रिप्ट में मौजूद किसी कीवर्ड से हो सकता है। जब भी ऐसा होगा तो उसका नाम कुछ और होगा और जो भी होगा वो पता करके आपको लिखना होगा, वरना उसकी वजह से आपका एरर जनरेट होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो HTML में जो आपका क्लास वाला एट्रीब्यूट होता है, क्लास वाला जो कीवर्ड होता है, उसको आप JSX में क्लास नेम लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। HTML में जो है एक और जो है आपका टैग होता है जिसे हम लोग कहते हैं लेवल टैग। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है लेवल टैग बना देता हूँ। इसके अंदर हम लोग एक जो है प्रॉपर्टी का यूज क्या करते थे, हम कहे एट्रीब्यूट का यूज करते थे जिसे हम लोग फॉर कहते थे, तो उसको जो है आप यहाँ पे JSX में यूज नहीं करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप को बनाने के लिए फॉर वाला कीवर्ड होता है और आपने यहाँ पर HTML में भी जो है लेवल टैग में फॉर एट्रीब्यूट के लिए फॉर लिख दिया तो कीवर्ड का जो है कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर की जगह HTML फॉर लिखना होगा। तो ये जो दो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से और भी कुछ कीवर्ड में डिफरेंसेस है जो आगे हम लोग जब यूज करेंगे तो उनके बारे में आपको बताऊंगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वजह से जो है एरर भी जनरेट होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज देख लेते हैं और वो ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो ये एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं जो हम लोग प्रॉपर्टी के लिख रहे हैं इन पर जो वैल्यू हम लोग सेट कर रहे हैं वो तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग के फॉर्म में कर दिया, लेकिन अगर आप किसी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में जो आपने वैल्यू को स्टोर किया उसे आप जो सेट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो आपको कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लिंक क्रिएट करूंगा, जो HTML में A टैग होता है उसका मैं यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम लिंक रख दिया, इक्वल टू लगाया, यहाँ पर मैंने A लिखा और यहाँ पर मैंने href की जगह जो है फिलहाल जो खाली छोड़ दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे href की जगह जो खाली छोड़ी है यहाँ पर हम लोग वैल्यू सेट करेंगे और जो वैल्यू हम लोग सेट करने वाले हैं वो HTML के वेरिएबल के अंदर से आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक HTML का वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया गूगल, URL मैंने रख दिया, इक्वल टू लगाया, इसमें मैंने वैल्यू सेट कर दिया जैसे कि https ये लिखा, .. ये लिख दिया मैंने, सेमीकॉलन लगा दिया। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे सेट करना है, तो जब भी ऐसा करना होगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ जो है करली ब्रैकेट लगाना है और जो वेरिएबल का नाम है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आप कोई भी इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये करली ब्रैकेट लगाएंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये काम जब आपका हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे अपने रेंडर वाले फंक्शन के अंदर चलते हैं, यहाँ पर जाके इस फंक्शन को जो हम लोगों ने कॉल किया था लॉग इन फॉर्म उसे हटा देते हैं और यहाँ पे लिंक वाले वेरिएबल को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से जो है करली ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मैं लिंक वाले वेरिएबल को जो है div टैग के अंदर HTML के टैग के अंदर कॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दिया।
वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए लिंक आ गया। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गूगल का जो पेज है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो एट्रीब्यूट्स पर अगर आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के वैल्यू को सेट करना चाहते हो तो कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रेंडर फंक्शन के अंदर जो हम लोग यहाँ पे आउटपुट में HTML के जो टैग्स को दिखा रहे हैं, एलिमेंट्स को आउटपुट में दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें आपको मल्टीपल HTML के टैग्स को आउटपुट में दिखाना होता तो वो काम आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको एक डिव टैग बनाना होगा और इस डिव टैग के अंदर जाके वो सारे HTML के टैग आपको एलिमेंट लिख देने होंगे जिन्हें आपको आउटपुट में दिखाना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आप H1 टैग लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने हेडिंग 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, एंटर दबाते हैं, यहाँ पर 1 की जगह जो है 2 कर देते हैं, यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं। और टैग बनाना है तो एंटर दबाया और बना लिया, यहाँ पर मैंने जो इसको 3 कर दिया, यहाँ भी मैंने इसको 3 कर दिया, यहाँ भी 3 कर दिया। और भी अगर आपको टैग बनाना था तो आप इसी तरीके से इसमें ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपने वेब ब्राउजर में वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपके सामने आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक ये डिव टैग हटा देता और बस ऐसे नॉर्मली एक के बाद एक लिख देता तो उससे एरर जनरेट होता। अपने कोड को CTRL-S दबा के आप सेव कर लीजिएगा जब आप यहाँ पे चेंजेस बनाएंगे। उसके बाद अगर अपने वेब ब्राउजर पर जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं एरर आ रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पे डिव टैग लगा लेंगे तो जो आपका एरर है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज जो आपको ध्यान रखना, अगर आपको मल्टीपल टैग्स को आउटपुट में दिखाना है तो आप उसको इस तरीके से डिव टैग के अंदर कर लीजिएगा। CTRL-S दबा के फाइल को सेव करिएगा, वेब ब्राउजर पर वापस जाना है, पेज को रिफ्रेश करिए, देखिए आउटपुट सही से आने लगा। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।